वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी सी चैप्टर 13 ऑफ 10th क्लास इंग्लिश। 3-2C। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 13 3-2C का सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। 3-2C मीन्स होता है तीन दिन देखे, तीन दिन देखे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट वुड बी अ ब्लेसिंग इफ ए ह्यूमन बींग्स वाज स्टिकन ब्लाइंड एंड डीप फॉर अ 5 days एट सम टाइम ड्यूरिंग हिज एयरली एडल्ट लाइफ। एक ऐसा आशीर्वाद, ब्लेसिंग मीन्स होता है आशीर्वाद, ठीक है। एक ऐसा आशीर्वाद होगा यदि यदि इच ह्यूमन प्रारंभिक वयस्क, ठीक है, प्रारंभिक वयस्क जीवन के दौरान कुछ समय के लिए अंधा और बहरा हो गया। ब्लाइंडनेस मीन्स होता है अंधा और डीप मीन्स होता है बहरा। कुछ समय के लिए अंधा और बहरा हो गया। से हेलेन, हेलेन कहती है, व्हाट मेक हेलेन थिंक सो। हेलेन ऐसा क्या सोचती है, हेलेन ऐसा क्या सोचती है, इसका आंसर देख लीजिएगा। हेलेन थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इफ ईच ह्यूमन बींग्स वाज स्टिकन ब्लाइंड एंड डीप फॉर अ 5 days एट सम टाइम ड्यूरिंग हिज इयरली एडल्ट लाइफ। हेलेन सोचती है कि यह एक ब्लाइंडनेस है यदि ईच ह्यूमन अपने वयस्क जीवन के दौरान कुछ दिनों के लिए अंधा और बहरा हो गया था। कुछ दिनों के लिए अंधा और बहरा हो गया। मैन ऑफ साइट एंड हेयरिंग ऑफ्टन इग्नोर व्हाट दे शुड सी और हेयर। दृष्टि और श्रवण के पुरुष अवसर अनदेखी करते हैं, अनदेखी करते हैं कि उन्हें क्या देखना या सुनना चाहिए, उन्हें क्या देखना या क्या सुनना चाहिए। इफ वंस, यदि दे आल्सो दिस पावर्स देन दे वुड रियलाइज देयर इम्पोर्टेंस एंड मेक देयर प्रॉपर यूज लाइफ लॉन्ग। यदि एक बार वे इन शक्तियों को खो दे, पावर मीन्स होता है शक्तियाँ, ठीक है। यदि एक बार वो इन शक्तियों को खो दे तो उन्हें अपने महत्व का एहसास होगा, तो उन्हें अपने महत्व का एहसास होगा। वे अपने उचित उपयोग को आजीवन कर पाएंगे, ठीक है, वे अपने उचित उपयोग को आजीवन कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मेंशन द थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट दैट हेलेन फाउंड थ्रू टैक्टाइल सेंस। हित की चीजों का उल्लेख करें जो हेलेन को टैक्टाइल सेंस के थ्रू मिली है, ठीक है, जो हेलेन को टैक्टाइल सेंस के थ्रू मिली है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा, हेलेन फेल्ट द डेलिकेट सिमिलरिटी ऑफ अ लीफ, द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बिच और द रफ सेजी बार्क ऑफ अ पाइन। हेलेन को एक पत्ती की नाजुक समरूपता, ठीक है, नाजुक समरूपता, एक सिल्वर बर्च की चिकनी त्वचा, स्किन सॉरी स्मूथ मीन्स होता है चिकनी और स्किन मीन्स होता है त्वचा, ठीक है, चिकनी त्वचा या चीड़ की खुरदुरी झबरा छाल महसूस हुई, ठीक है, झबरा छाल महसूस हुई। शी वुड टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टू सर्च फॉर अ ब्यूट इन स्प्रिंग। वह वसंत में एक
कली की खोज करने के लिए पेड़ों की शाखाओं को छूते थे। ठीक है, ब्रांचेस मीन्स होता है शाखाएं। ठीक है, वह वसंत में एक कली की खोज करने के लिए वृक्ष की शाखाओं को छूती थी। शी वुड फील द हैप्पी क्यूर ऑफ अ बर्ड। वह एक पक्षी के खुश तरकश महसूस करता था। ठीक है, शी फाउंड ऑल दिस थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट थ्रू ट्रैक्टिस साइंस। उसने ट्रैक्टिस साइंस से इन सभी चीज़ों को पाया। ठीक है, ट्रैक्टिस साइंस से इन सभी चीज़ों को पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाई डस हेलेन हर्ट क्राई आउट विथ लॉन्गिंग टू सी द थिंग्स इन नेचर। नेचर मीन्स होता है प्रकृति, क्राई मीन्स होता है रोना, हर्ट मीन्स होता है दिल। प्रकृति में चीजों को देखने की ललसा के साथ हेलेन का दिल क्यों रोता है। प्रकृति में चीजों को देखने की लालसा के साथ हेलेन का दिल क्यों रोता है, इसका आंसर आ जाएगा हेलेन इज ब्लाइंड। हेलेन अंधा है, हेलेन इज ब्लाइंड, हेलेन अंधा है। देयरफॉर सी गेट्स प्लेजर फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर फ्रॉम मेयर टच। इसलिए वह प्रकृति की वस्तुओं से मात्र स्पर्श से आनंद प्राप्त करता है। ठीक है, उनको छू कर आनंद करता है। ठीक, उनको स्पर्श कर आनंद करता है। सी लॉन्ग इन वेन टू सी ऑल द थिंग्स। वह सभी चीजों को देखने के लिए व्यर्थ की लालसा करता है। ठीक है, व्यर्थ की लालसा करता है। सी रियलाइज दैट ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। वह उसे पता चलता है कि सौंदर्य देखना है, उसे पता चलता है कि सौंदर्य देखना है स्पर्श नहीं है। इसने बोला कि सौंदर्य देखना है स्पर्श नहीं है, स्पर्श नहीं है। सी इज योर दैट साइट रिवल्स मोर ब्यूटी देन टच। वह निश्चित की दृष्टि टच से अधिक सौंदर्य को प्रकट करती है। ठीक है, टच से अधिक सौंदर्य को प्रकट करती है। देयर फॉर हर हार्ट क्राइज आउट विथ लॉन्गिंग बिकॉज सी फेल्स टू एंजॉय द डिवाइन ब्यूटी ऑफ नेचर। इसलिए उसका दिल ललसा से रोता है, इसलिए उसका दिल ललसा से रोता है। बिकॉज, क्योंकि वह नेचर की दिव्य ब्यूटीफुल का आनंद लेने में विफल रहता है। ठीक है, क्योंकि वह नेचर की दिव्य ब्यूटीफुल का आनंद लेने में विफल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड द ऑथर लाइक टू सी इन अ फार्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेखक खेत में क्या देखना पसंद करेगा, लेखक खेत में क्या देखना पसंद करेगा, इसका आंसर आ जाएगा द ऑथर हेलेन केलर ओड पास थ्रू अ फार्म ऑन हर रिटर्न फ्रॉम द ओट्स। लेखक हेलेन केलर ओट्स से अपनी वापसी पर एक खेत से गुजरती हैं, एक खेत से गुजरती हैं। शू वुड लाइक टू सी द हॉर्स ऑफ द ट्रैक्टर्स प्लॉगिंग द फेल्ड्स। वह घोड़ों या ट्रैक्टर को खेत की जुताई करते हुए देखनी चाहेगी। ठीक है, घोड़ों या ट्रैक्टर को खेतों की जुताई करते हुए देखना चाहेगी। शी वुड ऑल्सो सी द कंटेंटेड फार्म्स एंड द कलरफुल सनसेट। वह संतुष्ट किसानों और कलरफुल सूर्यास्त को भी देखना चाहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थ्रिलिंग मिरेकल दैट द ऑथर वुड लाइक टू
विटनेस एट द डॉन ऑफ द सेकेंड डे। क्वेश्चन को ठीक से समझेगा, वह कौन सा रोमांचकारी चमत्कार है जिसे लेखक दूसरे दिन की सुबह देखना चाहेगा। ठीक है, दूसरे दिन की सुबह देखना चाहेगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन, ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन हेलेन वुड वेक अप डाउन, हेलेन भोर में उठेगी। ठीक है, हेलेन भोर में उठेगी। नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे देन, रात तो दिन में तब्दील हो जाती है। ठीक है, नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे देन, नाइट तो दिन में तब्दील हो जाएगी। द सन अवेकनेस द स्लीपिंग अर्थ विथ द मैग्निफिसेंट पैनोरामा ऑफ लाइट, सूर्य प्रकाश की शानदार, ठीक है, सूर्य प्रकाश की शानदार झांकी के साथ सो रही होगी, स्लीपिंग कर रही होगी, पृथ्वी को जागृत करता है। दिस आर द थ्रिलिंग मस्कल्स फॉर हेलेन, ये हेलेन के लिए रोमांचकारी चमत्कार है। ठीक है, यह हेलेन के लिए रोमांचकारी चमत्कार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समराइज द एक्टिविटीज हेलेन वुड अंडरटेक ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन हेलेन एक्टिविटीज को शुरू करेगी, दूसरे दिन हेलेन एक्टिविटीज को शुरू करेगी, इसका आंसर आएगा हेलेन वुड अंडरटेक द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन हेलेन फॉलोइंग एक्टिविटीज करेगी। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है शी वुड वेक अप एट डाउन, वह सुबह उठती है, वह सुबह उठती है। शी वुड वेव हाउ द नाइट इज रिप्लेस्ड बाय द डे, वह देखती थी कि रात को दिन में कैसे बदला जाता है, वह देखती थी कि नाइट को दिन में कैसे बदला जाए। सेकेंड पॉइंट के शी वुड वेव द स्पीड ऑफ लाइट अवेकनिंग द स्लीपी अर्थ, वह नींद की धरती को जगाने वाली रोशनी के प्रसार को देखेगी। ठीक है, वह नींद की धरती को जगाने वाली रोशनी के प्रसार को देखेगी। सी वुड हैव अ हैस्टी ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड आई हाउ द पास्ट चेंज्ड एंड प्रोग्रेस्ड थ्रू द एज, उससे दुनिया के बारे में जल्दबाजी होगी। ठीक है, उसे दुनिया के बारे में जल्दबाजी होगी, यानी अतीत कैसे बदल गया, यानी अतीत कैसे चेंज हो गया, और युगों के माध्यम से प्रगति हुई है, और युगों के माध्यम से प्रगति हुई है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, शी वुड ट्राई टू प्रोब इनटू द सोल ऑफ मैन थ्रू हिज आर्ट ऑफ द एज, वह युगों की अपनी कला के माध्यम से मनुष्य की आत्मा, सोल मीन्स होता है आत्मा, ठीक है, मनुष्य की आत्मा की जांच करने की कोशिश करेगी। ठीक है, मनुष्य की आत्मा की जांच करने की कोशिश करेगी। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, शी वुड सी ऑल दैट शी न्यू थ्रू टच, वह सब देखती है जो वह स्पर्श के माध्यम से जानती थी, जो कि वह स्पर्श के माध्यम से जानती थी, वह सब देखती थी। ठीक है, शी वुड विजिट सम थिएटर ऑफ मूवीज, वह कुछ थिएटर या फिल्म देखने जाती। शी वुड सी द चार्मिंग फिगर्स ऑफ द एक्टर्स विथ हर ऑन आई, वह अपनी आंखों से भी अभिनेताओं के आकर्षक आंकड़े देखती थी। ठीक है, अभिनेताओं के आंकड़े देखती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर थिंग्स हेलेन इज ईगर टू सी इन न्यूयॉर्क, हेलेन न्यूयॉर्क में किन चीजों को देखने के लिए उत्सुक है, हेलेन न्यूयॉर्क में किन चीजों को देखने के लिए उत्सुक हैं, इसका आंसर रहेगा हेलेन वाज ईगर टू सी न्यू यॉर्क।
हेलेन न्यूयॉर्क को देखने के लिए उत्सुक थी। ठीक है, हेलेन न्यूयॉर्क को देखने के लिए उत्सुक थी। सी वुड सी द बिजी शेड्यूल ऑफ द पीपल देयर। वह वहाँ के लोगों को व्यस्त कार्यक्रम देखती थी। पीपल इन लार्ज ग्रुप वेंट देयर ऑन देयर वर्क्स। बड़े समूह के लोग अपने कामों पर वहाँ गए। ठीक है, वहाँ गए। नो अदर सिटी इज फुल ऑफ अस मैनी एक्टिविटीज एंड कंडीशन ऑफ मैन इज न्यू यॉर्क। कोई अन्य शहर न्यूयॉर्क के रूप में पुरुषों की एक्टिविटीज और स्थितियों में भरा नहीं है। ठीक है, एक्टिविटीज और भरा नहीं है। द सिटीज लुक्स लाइक हेवन। शहर स्वर्ग जैसा दिखता है। ठीक है, शहर स्वर्ग जैसा दिखता है। द ग्लिटरिंग स्पेस एंड स्प्लेंडिड बिल्डिंग ग्रांट न्यू यॉर्क अ हेवेंटी साइट सी वुड सो। हर इमोशन रिटॉर्ड्स द पीपल स्माइलिंग डिटरमाइंड एंड सफरिंग फेस। चमचमाती हुई इमारतें शानदार इमारतें न्यूयॉर्क में एक स्वर्ग दृष्टि का प्रदान करती हैं। वह लोगों को मुस्कुराते हुए स्माइलिंग दृढ़ निश्चयी और पीड़ित चेहरों की प्रति अपनी भावना दिखाते हैं। ठीक है, दृढ़ निश्चयी और पीड़ित चेहरों के लिए प्रति अपनी भावना दिखाती हैं। ठीक है,